इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी थाना भोगांव पुलिस व इस बार टीम के सफल प्रयास से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपी विनय प्रताप भदौरिया पुत्र घनश्याम सिंह निवासी जरामई थाना धन्नाहार, उपेंद्र उर्फ भूरा यादव पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम डूडिया थाना मिरहची जिला एटा को करीब 6 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूरा मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का एक लंबा इतिहास है और ये बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी किया करते थे, जिसको अन्य राज्यों के बीच कर अपना गुजारा बसर करते थे। ये गैंग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में अपने व्यापार को चलाते थे और अच्छी कीमतों पर मादक पदार्थों को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इसी कड़ी में थाना भोगांव पुलिस व स्वाट टीम के सफल प्रयास से दो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 4.5 करोड़ का चरस बरामद किया गया तथा बताया गया कि इस गैंग के अन्य आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। सर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है, मादक पदार्थ भी पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है, कितनी संख्या में पकड़ा गया है? जो साइबर टीम हमारी है, जिसके इंचार्ज विक्रम सिंह है, साथ में भगाओ की पुलिस, पूरी टीम काफी दिनों से लगी हुई थी कुछ ऐसे अपराधियों की तलाश में जो कि मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग जो है इसमें ट्रैक हुआ है और इसमें से दो अभी पकड़े गए हैं, विनय है जो कि यही कराने वाला है, दूसरा एक उपेंद्र है जो कि एटा कराने वाला है। इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और कई जनपदों से वांटेड भी हैं सब, और करीब 6 किलोग्राम ये चरस प्राप्त हुआ है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है एंड इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4.5 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। तो इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ अभी की गई है और भी हम लोग रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेंगे और फिलहाल इनको जेल पर रवाना किया जा रहा है। इन पर क्योंकि पहले से भी मुकदमे इन पर हैं तो उम्मीद है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।